resolves that the international community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. स्वीडन में तोहीने कुरान वाकये के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, वाकये की भरपूर मजम्मत के लिए मुत्तफिका करारदाद मंजूर। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की। ऐवान स्वीडन में तोहीने कुरान की मजम्मत करता है, ऐवान मुतालबा करता है तमाम इल्हामी किताबों मुकद्दस शख्सियात की तोहीन काबिले सज़ा जुर्म करार दी जाए। करारदाद का मतन, आलमी सतह पर किसी भी मजहब की तोहीन के खिलाफ कानून साजी की जाए, करारदाद में मुतालबा। पाकिस्तान की स्वीडन वाकये की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत, कल पूरी कौम वाकये के खिलाफ भरपूर एहतजाज करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है, यह मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की एक साजिश है। आज ऐवान और करोड़ों मुसलमान दुखी हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था हम तमाम मजाहब का एहतराम करते हैं, कभी किसी ने सुना या देखा कि बाइबल की बेहरमती की गई? कुरान करीम पूरी दुनिया को मोहब्बत इसार और सब्र की तलकीन करता है। स्पीकर, ये जो कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये दहशतगर्दी है, टेररिज्म है। ये तो जो कहा जाता है कि आजादी इजहार राय है, ये आजादी इजहार राय नहीं है, ये दरिंदगी है, ये रेसिज्म है, ये इस्लामोफोबिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंटेरियंस की स्वीडन वाकये की शदीद मजम्मत, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कागज़ के टुकड़ों के बजाय अमली कदम उठाया जाए। स्वीडिश सफीर मुल्क बदर अपना सफीर वापस, अक़वामे मुत्तहिदा में आलमी कानून साजी की जाए। यूसुफ रजा गिलानी बोले यहूदियों के लिए होलोकास्ट के खिलाफ कानून साजी हो सकती है तो तौहीन कुरान रोकने के लिए कानून साजी क्यों नहीं हो सकती? रजा रब्बानी बोले स्वीडन वाकये में बैन अल-अक़वामी कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं, मुस्लिम ममालिक स्वीडन का हफ्ते तक बायकॉट करें। शहजाद वसीम, एहसन इकबाल और दीगर का भी इजहार ख्याल। कुरान पाक की बेहरमती पर पीटीआई और जमात इस्लामी का भी कल भरपूर एहतजाज होगा। जमात इस्लामी की जानिब से नमाज जुमा के बाद मसाजिद के बाहर और खुले मैदानों में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कोटा के तमाम अहम मुकामात पर एहतजाज किया जाएगा। तर्जुमान का कहना है बाद नमाज जुमा कार कुरान पाक को नजर आतिश करने के दिलखराश साने पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, कोटा में बड़े इज्तम होंगे। ईरानी सफारतखाने ने पाकिस्तानी हुकूमत के यौम हुरमत कुरान की हिमायत कर दी। सफारतखाने के तर्जुमान का कहना है 7 जुलाई को कुरान पाक की तज़ीम का दिन करार देना काबिल तहसीन है। दुनिया की बड़ी मजहबी आबादी की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहरमती काबिल अफसोस और जाहिलाना फेल है। मुकद्दसात की तौहीन से अदम इस्तेहकाम और नफरत फैलाने के मुतासिबाना अमल का खात्मा ज़रूरी है। बल्तिस्तान की हुकूमत साजी में नया मोड़ आ गया। सुप्रीम अपील कोर्ट जीबी ने 13 जुलाई को नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी की अदायगी 12 जुलाई को की जाएगी। सुप्रीम अपील कोर्ट ने मुनहरिफ रुकन की दरख्वास्त पर वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से हुक्म इम्तना जारी किया था। पीटीआई ने राजा आजम को उम्मीदवार नामजद किया था। वज़ीर ख़ज़ाना गिलगित बल्तिस्तान जावेद मनवा ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़े की मजम्मत, कहना था हमेशा चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आला के जारहाना रवैये के खिलाफ रहा। सब जमातों को आपस में बैठकर इलाके के बेहतर मफाद में सोचना होगा। खाना केस, चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं लगाया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में हाजिरी से सुस्तान की दरख्वास्त मंजूर, आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समात 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अखली का केस, चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत कन्फर्म। सरकारी वकील ने दलाल में कहा पटवारी रिकॉर्ड लेकर फरार हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क दिए ये कैसे हो सकता है पटवारी रिकॉर्ड लेकर गायब हो जाए, जो आपने बताया इससे लगता है कोई गड़बड़ हुई है, किसी को अराजी या घर छीन लिया जाए तो कोई चुप नहीं रहता। खातून जज धमकी केस, चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीर है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होने की हिदायत। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने जामिन से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
हाउस में जलाओ खेराव का केस, खदीजा शाह और दीगर के जुडिशल रिमांड में तौसी। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को चालान पेश करने की हिदायत कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन, फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी पेश नहीं हुए, मुआविन वकील ने दलाइल दिए। हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दे रहे समाअत है। मेंबर इलेक्शन कमीशन का कहना था फवाद चौधरी ना खुद पेश हुए ना ही सिस्ना की कोई दरख्वास्त थी। मजीद समाअत 20 जुलाई को होंगी। दरियाओं में तोहयानी पानी की सतह बुलंद होने लगी। पीडीएमए ने पंजाब में मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने का खदशा है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई महकमों को फौरी इकदाम की हिदायत कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब पर पानी का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। नशेबी इलाकों की सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। अदालत का फैसला कह रहा है नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ये चोर चोर झूठ झूठ का बयानिया बनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है। फैसला है कि 4 साल मीडिया की जबान बंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ के दौर में प्लॉट के हवाले से केस बनाया गया। नैब न्याजी गठजोड़ ने मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए। इनके भाई आलमगीर तरीन की मैयत जनरल अस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल। नमाज जनाजा आज रात 10:30 बजे मॉडल टाउन ए ब्लॉक मस्जिद में अदा की जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स के सीईओ ने आज सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक आलमगीर तरीन ने तहरीर छोड़ी थी, जिसमें अपनी बीमारी का जिक्र किया। कहा, अरसे दराज से बीमार हूँ, डिप्रेशन का शिकार भी रहा, अद्वियात का इस्तेमाल भी करता रहा, हालात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर रहा। लाहौर में छतें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में जाबहक अफराद की तादाद 12 हो गई। मुजंग में मैरिज हॉल की छत अस्पताल की इंतजार गाह पर गिरने से 14 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 13 साल बच्ची जाबहक, 70 साल खातून शदीद जख्मी। गुजरावाला में छत गिरने से खातून और 2 बच्चियाँ जान से गईं, 5 अफराद जख्मी हो गए। पतोखी में वाबरा की नाअहली एक जान ले गई। फूल नगर में करंट लगने से मेहनत का जाबहक। 2 रोज के दौरान पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से ज़ायद जख्मी है। आज अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। हर सेक्टरी जो है, 8 सेक्टरीज हैं जो एक एक जोन वासा का खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जो एज पर लॉ हम इस तरह के जख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर इनको आज या कल में पहुँचा दें। इलाज इंशाल्लाह ताला इनका फ्री में होगा और जो भी बेस्ट डॉक्टर लाहौर में जहाँ भी अवेलेबल है वो हम बुला रहे हैं और इनको अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी सबको बेस्ट फैसिलिटी देंगे इंशाल्लाह। आज लाहौर की सूरत हाल काबू में है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं वासा के सेक्रेटरी सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। छत गिरने से 14 अफराद जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक है। शादी हॉल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मानसून की तबाहकुन बारिशें, कराची में मानसून की एंट्री, बहरिया टाउन और अतराफ में मूसलाधार बारिश। पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, फैसलाबाद, गुजरावाला, मंडी बाहुद्दीन, टोबर टेक सिंह, भक्कर और हाफिजाबाद समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। पानी नशेबी इलाकों में जमा, गलियां और सड़कें भी पानी पानी। केपी के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिशें। चमन, शिरानी किला, अब्दुल्ला, पशीन, ज्यारत और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए। कराची समेत सिंध भर में कल से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इलाका माड़ीपुर दूसरे रोज भी मैदान जंग बना रहा। बिजली की बंदिश से शहरी आग बबूला नजर आया। अहम तरीन शाहरा ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निजाम धरम भरम हो गया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर वक्फे वक्फे से पथराव किया, तहम पुलिस ने मामले को कंट्रोल करते हुए एहतजाज खत्म करवा दिया। IMF का प्रोग्राम किया और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। उस डिफॉल्ट के हवाले से क्या वजूहत थी मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता। मैं सिपा सलार का, पाकिस्तान का, आसिफ मुनीर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की। सऊदी अरेबिया से, UAE से 3 अरब डॉलर लेके दिए। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस मुल्क की तरक्की की दौड़।
पूरी थी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने हमारी भरपूर मौबनत की, मिलकर काम करेंगे तो कर्जे लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फैसला कर लें, मुल्क की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। वो वक्त भी आएगा जब हम दूसरों को कर्जे देंगे। काम करने का जज्बा होगा तो पाकिस्तान दीगर ममालिक से आगे निकल जाएगा। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी की जल्द रिहाई की कोशिशों के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कहना था हुकूमत आफिया सिद्दीकी के लिए इंसाफ के हुसूल में मुकम्मल तआवुन करेगी, उनकी रिहाई यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। दफ्तर खारजा को अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तानी सफारत खाने से रबते में रहने की हिदायत। तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 44,178 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमू तौर पर 29 करोड़ हिसेस का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 277 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था। सोना महंगा, यूएई तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का कहां है? साफ तवानाई में सरमायाकारी को यकीनी बनाना होगा। सुल्तान अल जाबिर की शेर रहमान के हमरा गुफ्तगू, कहां मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबिशें लायक तहसीन हैं। वफाकी वजीर ने कहा पाकिस्तान काबिल तस्दीद तवानाई के ज़राए पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। यूएई मौसमियाती तब्दीली के मामले पर ठोस इकदाम कर रहा है। गुजरात की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां, यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस दो इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मियां अमजद और एहसानुल्लाह को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट्स ने शहरियों से 7,50,000 फीकस वसूल की। उनकी खातिर जान की कुर्बानी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों की नमाज जनाजा, मेजर अब्दुल्ला शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। वालिद ने जवान साल बेटे की शहादत को कौम का फख्र करार दिया। नायब सूबेदार साहब खान शहीद की नमाज जनाजा मियांवाली में अदा की गई। शहीद नायक मोहम्मद इब्राहिम खान की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान और शहीद सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा मर्दान में अदा की गई। सरबरा पाक फजाइया से आज़रबाईजान के सदर के मुशीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक मुलाकात में पाक फजाइया के फजाई, खलाई, साइबर शोबों को जदीद खतूत पर सवार करने के विजन पर बातचीत की गई। एयर चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के आज़रबाईजान में मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता इस्तवार है। दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन तआवुन के अज़्म का इआदा। कहा पाकिस्तान को मजबूत सफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। कराची समेत सिंध भर के दीगर शहरों में बिजली की लोड शेयरिंग और इजाफी बिलों का सिलसिला बनना हुआ तो भरपूर अवामी रद्दअमल आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत को इंतवा। एमक्यूएम वक्त की वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात। दुनिया के बड़े शहरों की तर्ज पर कराची में बिजली की फरहमी के लिए 1 से ज्यादा कंपनियों को लाइसेंसेस के इजरा का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान का कहना था बिजली की फरहमी के लिए 1 से ज्यादा कंपनियों के होने से आवाम को सस्ती और बिला तातुल बिजली की फरहमी यकीनी बनाई जा सकती है। खुर्रम दस्तगीर की एमक्यूएम के मुतालबे की तायद, मुस्बत पेशरफ की यकीन दहानी कराई। लड़की पर जिंसी हमला, मुलजिम का सुराग ना मिल सका। वजीर आला का नोटिस, पुलिस भी मुतहरिक हो गई। एसपी गुलशन की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। अवामी हलकों और सोशल मीडिया पर वाकये की शदीद मजम्मत। जिंसी दरिंदे को गिरफ्तार करके कड़ी सजा देने का मुतालबा। मुलजिम ने कुछ दिन पहले लड़की पर जिंसी हमला करने की कोशिश की जिसे बाहया लड़की की मुजाहमत ने नाकाम बना दिया। सबसे ज़्यादा वाटर बोर्ड से शिकायत है, कोशिश है कराची में पानी के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल कर लें। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं कोशिश है वाटर बोर्ड को गैर सियासी तौर पर चला सकें। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं, मुमकिन बारिशों के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पीसीबी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास। ज़का अशरफ की बोर्ड के मामलात में शफाफियत लाने की सख्त हिदायत। कहा बैन अल-अक़वामी इवेंट्स में पाकिस्तान क्रिकेट को जायज़ हक दिलवाएंगे। ख्वाहिश थी इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, मुत्तहद होकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। एशिया कप, वर्ल्ड कप समेत बहुत से मामलात में बेहतरी की जरूरत है। श्रीलंका में पिच स्लो है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बाबर आजम की न्यूज ब्रीफिंग का, एशिया कप से पहले श्रीलंका में अच्छा खेलना है।
टीम सिलेक्शन से मुतमईन हूँ, जो खिलाड़ी चाहिए होता है मिल जाता है, जहाँ कुछ खामियाँ हैं उन्हें दूर कर रहे हैं, कैंप में भरपूर प्रैक्टिस की, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी जारी है, कोशिश है माजी की गलतियों से सीखें और अच्छा परफॉर्म करें, टीम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एलन मस्क और मार्क ज़करबर्ग मद्दे मुकाबले आ गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम कंपनी मेटा ने ट्विटर का मुकाबला करने के लिए नई ऐप थ्रेड्स लॉन्च कर दी। मार्क ज़करबर्ग ने पहली पोस्ट में लिखा, थ्रेड्स में खुश आमदीद। नई ऐप के लॉन्च होने के चंद ही घंटे के दौरान 50 लाख अफराद ने अकाउंट्स बना लिए। रिकॉर्ड दी सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का 3 रोजा फेस्टिवल। इटली से आई सोहा अबलो ने कथक डांस पेश किया। अलगोजा पर नेथन टोरेंस ने खूबसूरत धुनें बिखेरी। दीगर फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। हाजरी ने खूब धमाल डाला। कन्वेंशन में 1000 अफराद ने शिरकत की। कार सारमत खोसट भी वहाज अली के दीवाने हो गए। अदाकार की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि यूं तो वहाज को मदाह रुमानी किरदारों में देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दीगर किरदारों को भी आजमाना चाहिए। साथ लैला वास्ती की लॉन्ग ड्राइव, अदाकार ने गाना गाकर आवाज का जादू जगाया, वीडियो वायरल हो गई। रावलपिंडी में भी खवातीन मोटरसाइकिल चला सकेंगी, ट्रेनिंग सेशन शुरू। ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से 4 खवातीन ने मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। 15 रोजा कोर्स तरबियत याफ्ता लेडी इंस्ट्रक्टर के जेर निगरानी कराया जा रहा है। साल अमरीकी गुलूकारा की खुदकुशी, 3 दिन कोमा में रहने के बाद चल बसी। गुलूकारा कोकोली की बहन ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। गुलूकारा की बहन की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि कोकोली कुछ सालों से जहनी तनाव का शिकार थी और उन्होंने घर में ही खुदकुशी करने की कोशिश की। कोकोली चीनी अमरीकी गुलूकारा थी जिन्होंने अंग्रेजी और चीनी जबान में गानों के एल्बम जारी किए। कोकोली 2001 में ऑस्कर के लिए नामजद गाना परफॉर्म करने के लिए मशहूर। मगरबी क्राइम पर मबनी अमरीकी फिल्म कल गाफ्ती फ्लावर मून का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। फिल्म के हिदायतकारी और प्रोड्यूसर मार्टिन स्कॉर्सी ने कहा है कि फिल्म डेविड ग्रांट की 2017 की किताब पर मबनी है। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतालिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।